अगर आप एमएसएमई लोन को लेकर चिंतित हैं, नहीं समझ आ रहा है कि कहां से मिलेगा और किन किन कागजों की जरूरत पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना शर्मा और आज हम बात करेंगे एमएसएमई लोन कैसे लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे नए यूजर हैं और एमएसएमई से जुड़ी बाकी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिए गए हैं, उन लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो अब बात करते हैं लोन की। एमएसएमई लोन ज्यादातर स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय के मालिकों को दिए जाते हैं। एमएसएमई लोन के भुगतान की अवधि भी सबके लिए अलग अलग होती है और ब्याज की दर लोन की राशि, आवेदक की प्रोफाइल और व्यवसायिक इतिहास पर डिपेंड करती है। आपको बता दें कि एमएसएमई लोन असुरक्षित लोन होते हैं जो बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन ये लोन तभी मिलता है जब आवेदक योग्यता शर्तों को पूरा करता है। सरकारी योजनाओं के अलावा कई बैंक भी हैं जो एमएसएमई लोन प्रदान करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईडीबीआई बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक इत्यादि। लेकिन लोन लेने के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे अच्छा क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी साख है और वह ये बताता है कि लोन के भुगतान में आपका रवैया पहले कैसा रहा है और इसे देखकर बैंक आपका लोन मंजूर करती है। लिहाजा अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जीएसटी और अन्य तरह के कानूनी रजिस्ट्रेशन भी लोन मंजूर कराने में मदद करते हैं। बैंक उन बिजनेस को लोन जल्दी देते हैं जो कानूनी ढांचे में आते हैं। मुनाफे और टैक्स का रिकॉर्ड, ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोन की मंजूरी में सहूलियत देते हैं। इनसे बैंक या वित्तीय संस्थानों को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि कारोबार का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। कारोबार मुनाफे में है तो कर्जदाता लोन देने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। साथ ही बैंक स्टेटमेंट, लोन देने से पहले बैंक द्वारा आपका खाता भी चेक किया जाता है जो ये दर्शाता है कि बिक्री से बिजनेस में कितना कैश फ्लो हुआ। इससे लोन ईएमआई आदि के संबंध में देनदारी का भी पता लगता है, साथ ही आपका बिजनेस जितना पुराना होगा लोन उतनी आसानी से मंजूर होगा। दोस्तों, बिजनेस लोन के लिए सबसे पहले अपनी मौजूदा बैंक से ही संपर्क करें जहां आपका सेविंग या करंट अकाउंट खुला है। इस बैंक के पास आपके तमाम लेन देन का बना बनाया ब्यौरा होता है, इसके लिए उन्हें मशक्कत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आपको लोन मिलने में भी आसानी रहती है। दोस्तों, एक सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि बिजनेस के लिए मिली लोन की रकम को उसमें ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि लोन आवेदन की प्रोसेसिंग के समय बैंक इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि लोन की रकम इस्तेमाल कैसे की जाएगी। इस पैसे के उपयोग को लेकर वे काफी सतर्क रहते हैं। यदि जिम्मेदारी से आप लोन अदा करते हैं तो लंबी अवधि में अच्छी साख बन जाएगी और इससे भविष्य में लोन मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एमएसएमई लोन के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है। सबसे पहले आपके उद्योग के बैंक खाते की जानकारी, जिसमें पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शन शामिल हो। साथ ही आपके अपने उद्योग का आईटी अकाउंट और जीएसटी अकाउंट जोड़ना होगा। आपके पास टैक्स सेक्शन से संबंधित सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है और आपके अपना केवाईसी फॉर्म स्कैन करवाकर ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसके अलावा जीएसटी आईएन और जीएसटी यूजर आईडी और पासवर्ड और आयकर रिटर्न ई फाइलिंग की कॉपी जमा करनी होगी। जाते जाते आपको बता दें कि सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा भी एमएसएमई के लिए लोन मिलता है। एमएसएमई लोन के तहत आने वाली सरकारी योजनाओं में मुद्रा लोन, सीजीटीएमएससी, पीएमईजीपी आदि शामिल है। तो अगर एमएसएमई से जुड़े कोई और सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।